विलग्राम के युद्ध को कन्नौज के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। विलग्राम का युद्ध चौसा के युद्ध के ठीक एक साल बाद लड़ा गया था। 17 मई 1540 ईस्वी को यह युद्ध हुमायूं तथा बाबर के बीच लड़ा गया था। शेरशाह सूरी का परिचय। शेरशाह सूरी का कार्यकाल 1540 ईस्वी से लेकर 1545 ईस्वी तक चला था। सूर्य साम्राज्य का संस्थापक शेरशाह सूरी था। शेरशाह का जन्म 1472 ईस्वी में बजबारा होथियारपुर में हुआ था। इनका बचपन का नाम फरीद खां था, सूरवंश से संबंधित रखते थे। शेरशाह के पिता हसन खां जौनपुर राज्य के अंतर्गत सारनाथ के जमींदार थे। फरीद खां अपने पिता से झगड़ा के बाद पाटलिपुत्र के बड़ा खां लोहारी के यहाँ काम करना प्रारंभ कर दिया था। फरीद खां ने एक शेर में एक बार में ही उनको मार डाला था, जिसके कारण बड़ा खां लोहारी ने उनको शेर खां की उपाधि से संबोधित किया था। शेर खां विलग्राम युद्ध के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। शेरशाह की मृत्यु कलिंजर के किले को जीतने के क्रम में 22 मई 1545 ईस्वी को हो गई थी। उस समय कलिंजर का शासक कीरा सिंह था। शेरशाह सूरी मात्र 5 वर्ष ही हिंदुस्तान की गद्दी पर राज कर पाए थे। शेरशाह का मकबरा सारनाथ में झील के बीच ऊंचे टीके पर निर्मित किया गया था। शेरशाह का उत्तराधिकारी उसका पुत्र इस्लाम शाह बना। हुमायूं का कार्यकाल 1530 ईस्वी से लेकर 1556 ईस्वी तक चला था। हुमायूं के जीवन में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। हुमायूं ने सर्वप्रथम बार 1539 में चौसा का युद्ध लड़ा था, जो कि फरीद खां नामक व्यक्ति से लड़ा था। ठीक अगले वर्ष विलग्राम का युद्ध लड़ा था, जिनका चर्चा हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं। कन्नौज का युद्ध शेरशाह सूरी एवं बादशाह हुमायूं के मध्य हुआ था। बादशाह हुमायूं को यह मालूम था कि शेरशाह की सेना उसकी सेना के मुकाबले ज़्यादा ताकतवर है एवं शक्तिशाली है, और शेरशाह को इस लड़ाई में पराजित करना आसान नहीं है। इसी कारण उसने अपने भाइयों को इस युद्ध में मिलाने का पूरा प्रयास किया, परंतु उसके भाई इस युद्ध में उनके साथ सम्मिलित नहीं हुए, बल्कि वह हुमायूं के युद्ध की तैयारियाँ में अनेक तरह की रुकावटें डालना प्रारंभ कर दिया था। शेरशाह एक कुशल शासक था और उसको यह ज्ञात हो गया था कि हुमायूं के भाई कन्नौज के युद्ध में उसका साथ नहीं देगा, जिससे वह बहुत ही प्रसन्न हुआ था। जैसे ही शेरशाह को यह बात पता चला कि अफगान साथियों के साथ हुमायूं पर आक्रमण करने का फैसला ले लिया था, हुमायूं भी उसका सामना करने के लिए तैयार था। कन्नौज के युद्ध के लिए दोनों पक्षों की सेनाओं ने कन्नौज के पास ही गंगा नदी के किनारे अपना प्रभाव डाला। इतिहासकारों के मत के अनुसार दोनों सेनाओं की संख्या लगभग 2 लाख थी, और दोनों सेनाएं लगभग 1 महीने तक बिना युद्ध किए वहीं पर अपना प्रभाव डाले रहे थे। शेरशाह को इस बात से कोई हानि नहीं थी, परंतु हुमायूं की सेना के सिपाही धीरे धीरे उसका साथ छोड़ के जा रहे थे। इसी कारणवश हुमायूं ने कन्नौज के युद्ध को प्रारंभ करना उचित समझा। इस युद्ध में अफगानी सेना ने हुमायूं की सेना को बड़ी आसानी से पराजित कर दिया, क्योंकि उसके सैनिक इस युद्ध में डटकर नहीं लड़े थे। अफगान सेना ने भागती हुई मुगल सेना को नदी की ओर पीछा किया और कई सैनिक को मार गिराया, जिससे उसकी काफ़ी क्षति हुई थी। बहुत से मुगल सैनिक नदी में डूब भी गए थे। कन्नौज की लड़ाई ने मुगलों और शेरशाह सूरी के बीच मामले का फैसला कर दिया। इस युद्ध के बाद बादशाह हुमायूं बिना राज का राजा रह गया और काबुल तथा कंधार कमरात के हाथों में थे। कन्नौज के युद्ध के पश्चात ही हुमायूं को अपनी राजगद्दी छोड़ के भागना पड़ा था और दिल्ली का राज शेरशाह सूरी के अधिकार में आ गया था। इस युद्ध में शेरशाह ने हुमायूं को बुरी तरह से पराजित किया था। विलग्राम युद्ध के विजय के बाद शेरशाह सूरी ने हुमायूं को भारत से पलायन करने के लिए विवश कर दिया था। इसके बाद हुमायूं 15 वर्ष घुमक्कर की जिंदगी जीने लगा था। इसी समय 1542 ईस्वी में हिलनाद के आध्यात्मिक गुरु मीर बाबा दोस्त अली अकबर जानी की पुत्री हमीदा बानू बेगम से इनका निकाह संपन्न हुआ था। अल्लाह के कृपा से उसी वर्ष 15 अक्टूबर 1542 को हमीदा बानू बेगम के गर्भ से अकबर का जन्म हुआ था, लेकिन पाकिस्तान में, क्योंकि उस समय हुमायूं घुमक्कर की जिंदगी जी रहा था। 1555 ईस्वी में सरहिंद का युद्ध में सिकंदर सूर को हराकर किसी तरह वह राजगद्दी पर फिर से अधिकार किया था। हाँ तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस यहीं तक। आई होप हमारी वीडियो आपको पहले से काफ़ी अच्छी लगती हो। अगर आपको हमारी वीडियो काफ़ी अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको हमारे वीडियो में कुछ कमी दिखाई पड़ती है तो प्लीज़ हमें कमेंट में भी ज़रूर बताइएगा। तो कल मिलते हैं हम एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।